और इसी कड़ी में दुर्ग के वार्ड 22 में उत्साह से मनाई गई परम पूज्य गुरु घासीदास की जयंती। इस अवसर पर महापौर ने शोभा यात्रा को दिखाई झंडी। दुर्ग तितुरडी वार्ड 22 के जय स्तंभ चौक में सतनामी समाज ने परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की 266वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर आयोजक समिति एवं समाज के लोगों द्वारा सफेद झंडा लेकर शोभा यात्रा निकालकर सत्य नाम का संदेश शहर में पहुंचाया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि महापौर धीरज बाकरीवाल ने पूजा अर्चना कर परम पूज्य संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा का आशीर्वाद लिया और शोभा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। गौरतलब है कि सतनाम समाज द्वारा रविवार को परम पूज्य संत शिरोमणि गुरु घासीदास की जयंती के उपलक्ष्य में सतनाम ध्वज शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में पंथी नृत्य व पंथी गीत गाकर गुरु घासीदास की झांकी के साथ श्वेत वस्त्र में समाज के सदस्यों ने इस दौरान जय सतनाम के उद्घोष के साथ नगर भ्रमण किया। इस अवसर पर महापौर धीरज बाकरीवाल ने कहा कि हमें परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास के बताए मार्गों पर चलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। इस अवसर पर पार्षद काशीराम कोसरे ने बताया कि बाबा गुरु घासीदास पर्व 18 से 31 दिसंबर तक धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथ ही गुरु घासीदास के सतनाम के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। हर वर्ष की भांति हर बार हमारे वार्ड नंबर 22 स्टेशन पर आने की दूरी में गुरु घासीदास जयंती बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है, जिसमें कल 25 तारीख को हमने गुरु पर्व के रूप में गुरु घासीदास जयंती का पर्व मनाया, जिसमें बहुत भीड़ भाड़ के और मोहल्ले वासियों के साथ में शोभा यात्रा निकली, जिसमें बाबा जी के संदेशों को हमने पूरे वार्ड में जगह जगह बताया उसको शोभा यात्रा के माध्यम से, और उसमें हमारे यहाँ सभी समाज के लोग थे और बहुत अच्छे ढंग से ही मतलब जयंती मनाया गया। इसमें शोभा यात्रा में महापौर भी शामिल हुए हमारे और उन्होंने झंडी दिखा करके शोभा यात्रा को रवानगी की। ललित चंद्राकर जी महामंत्री वो भी आए थे और भाजपा के लोग भी शामिल थे, कांग्रेस के लोग भी शामिल थे। सभी ने बहुत अच्छे ढंग से जयंती पर्व में हिस्सा लिया और सभी ने अपना शुभ आशीर्वाद दिया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।